सर्कल होता क्या है? क्या भाई? बेटा सुनना, एक्चुअली देखो ये सब एक पाथ होता है ना, पाथ ही तो होता है सर्कल जिसके ऊपर आप चल सकते हो, है ना, कुछ भी चल, कोई भी चल सकता है, बेसिकली एक पाथ है ना। बट कौन सा पाथ? एक ऐसा पाथ, ठीक है, जिसपे वो सारे, देखो एक होता है बेटा एक फिक्स पॉइंट होता है, इज अ फिक्स पॉइंट, ये है फिक्स पॉइंट, ठीक है, और फिक्स दूरी पे अगर बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं मैं, ये पॉइंट आपको पहले से बताया, इसे मैं बोला फिक्स पॉइंट, मतलब वो वहीं पे है चिपका हुआ, उसे फिक्स दूरी पे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूं, फिक्स दूरी पे मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूं, ठीक है, कहां से, इस फिक्स पॉइंट से आर की दूरी पे मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूं, अगर मैं उनको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, ये तो फिक्स पॉइंट है बेटा, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है आर, ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, और इस पे जो पॉइंट है बेटा, हमने इसको मान लिया लेट से एक्स कॉमा वाई, क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और जो सेंटर है, मान लो सेंटर दे रखा आपको एच कॉमा की, क्या दे रखा है, एच कॉमा की, ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, यहां से मैं बोलूंगा ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, पी क्या है, पी इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, यू टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उसका नाम रख दिया हमने एक्स कॉमा वाई, उसकी दूरी सेंटर से कितनी हो गई आर। अब सेंटर हमें पता था पहले क्योंकि वो फिक्स था, सेंटर कितना पता हमें, एच कॉमा के, ठीक है, और पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, सो डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा, रूट ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ, अरे क्या है, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, या ये स्क्वायर रूट उधर गया तो स्क्वायर बन गया, ठीक है बेटा, ये क्या आया, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें कि रेडियस है आर और सेंटर है एच कॉमा के, ठीक है भाई। तो जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था हमने, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल है, किसी की भी इक्वेशन निकालते हैं तो बेटा उसमें एक्स और वाई क्या होता है, एक्स और वाई एक ऐसा पॉइंट होता है जो उसकी उस पाथ के ऊपर कहीं भी पड़ा होगा, मतलब बेसिकली एक्स वाई कैन बी एनी पॉइंट लाइंग ऑन द पाथ, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कैन बी एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता, मान लो ये एक्स प्लस वाई को सुफाई, सबको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को जो कि इसके ऊपर कहीं भी पड़ा हो सकता है, ठीक है, सो हम बोलते हैं जनरल पॉइंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको सीधा सीधा याद करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ऑलवेज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर इज ऑलवेज एच कॉमा के एंड रेडियस इज ऑलवेज आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा मैं, मान लो आपको सेंटर दे दिया 2.3, ठीक है, एंड रेडियस दे दिया, हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल, या तो आप सुन ही नहीं रहे हो, डब्बे में तो पैक किया है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको इसे लर्न करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, और आर क्या है, आर है उस सर्कल का रेडियस, और एच कॉमा के क्या है, उस सर्कल का सेंटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पे, मैंने ये बोला कि मान लो एक सर्कल है, हमें नहीं पता उसकी इक्वेशन नहीं पता, लेकिन आपको उसका सेंटर दिया हुआ है, आपको उसका रेडियस दिया हुआ है, तो बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप कैसे निकालोगे, आप वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, ओके। पहले तो आप कंपेयर कर लो, चाहे तो सेंटर एच कॉमा के होता है तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया, आर, आर हो गया आपका
रेडियस मैंने दिया नहीं था, दे देता हूं मैं 5, ठीक है। मान लो रेडियस भी देखा है 5, क्योंकि देखो कोई भी सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसमें दो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, क्या? एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस। जब तक वो नहीं पता आप उसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते। जैसे ही पता चले आपको सेंटर और रेडियस, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेनी है। क्या, किस फॉर्मूले से? विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो बेटा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एस क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अब वो करना है कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिंपली एच और के पुट कर देना है, ठीक है। एच को पुट किया 2 और के को पुट किया 3, ठीक है। एक उस आर आर क्या होगा, 5 का स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है। एक काम करो, आगे आपको करना है, आपको यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, जल्दी करो सब लोग। हाँ उतार लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है बेटा, जब भी मैं बॉक्स में कुछ डालता हूँ वो फॉर्मूला ही होता है। भाई नोट करना तुम्हारे ऊपर होता है, आप नोट करना चाहते हो तो नोट करो, ठीक है। यार रमदीप एब्सेंट है और ये साहिल राठौर, सॉरी निकुल राठौर एब्सेंट है। तेरा नाम क्या है? यार सबसे रिक्वेस्ट है एब्सेंट होना बंद कर दो प्लीज। कर दिया भाई एक्स स्क्वायर, देखना इसको, एक मिनट रुक जाओ, सिंपलीफाई भी तो करना है। सिंपलीफाई करोगे तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x - 6y इक्वल टू 12, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स कॉमन वाई कॉमन, ठीक है भाई, ओके क्लियर है। अच्छा कैसे पहचानते हो आप कि ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है? जैसे कि आप 10th क्लास में से देखते ही समझ जाते थे, क्या बोलते थे? सर ये सर्कल नहीं है, ये लाइन है, बोलते थे। हाँ कैसे बोलते थे? बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। इसमें क्या होता था, सुनना भाई, एक्स एक्स की डिग्री और वाई की डिग्री, दोनों की डिग्री कितनी कितनी है, 1 1। सर्कल की पहचान क्या है? हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन 12th में बहुत यूज होता है इसलिए बता रहा हूं। सर्कल की पहचान है एक्स की डिग्री 2 और वाई की डिग्री भी 2। डी बोले तो डिग्री, एक्स बोले तो वेरिएबल एक्स, ठीक है। आप देख सकते हो डिग्री बोले तो एक्स का जो हाईएस्ट पावर है क्या है, यहाँ पे 2 है, तो एक्स की डिग्री 2 हो गई, वाई की डिग्री क्या है, 2। दूसरा बेटा और एक और पॉइंट है इसमें, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम इन साइन एंड क्वेश्चन। और अगर सेंटर है -2, -2, -1, ठीक है, रेडियस है 3, ठीक है। सेंटर है -2, -1 एंड रेडियस है 3, ठीक है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल।
सो आंसर इज x स्क्वायर, अरे कोई बात नहीं, y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 5. ठीक है भाई, क्लियर है? ओके अगला है बेटा, सेंटर 00 रेडियस 3 रेडियस 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अगेन वेरी वेरी सिंपल बेटा, फर्स्ट वाला हो गया सबका, ठीक है. हाँ जी, इसका आंसर ये रहा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर. क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ. हाँ तूने 4 ही बोला था ना, मैंने भी 4 ही बोला था, बट नहीं 5. ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़े. हाँ ध्यान देना. अच्छा अब सडनली अगर आपको ये दे दिया जाए बेटा, क्या ये देखो भाई, ये दे दिया जाए, पता है क्या है, ये सर्कल है. अब सर्कल है तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द रेडियस एंड सेंटर. ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, आपको ये दिया जाएगा कि भैया ये जो है ना ये सर्कल है. ठीक है, तो आपको निकालना है सेंटर एंड रेडियस. तो निकालने का तरीका क्या है, सुन लो जरा सब लोग. हम क्या करेंगे, एक्स वाले साइड टर्म एक साइड, वाई वाले साइड टर्म एक साइड. ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर. इसे भी क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना. कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा आपको तो इससे बनाते हैं ए स्क्वायर, इससे बनाते बेटा नो नो 2ab हमेशा. और अगर यहां प्लस लिखा है तो बेटा मैं यहां प्लस लिखूंगा, अगर यहां माइनस होता तो मैं क्या लिखता. अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 2ab का बेनिफिट कब मिलता है, जब साथ में बी स्क्वायर हो, है ना भाई. ध्यान दीजिए जरा, ऊपर वाले x को लिख दिया मैंने x का स्क्वायर प्लस 2ab में 2 तो आएगा ही आएगा. अच्छा क्या है आपके लिए a, क्या आप देख रहे हो जरा, आप देखो a क्या है, x है ना, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे यहां पे x, तो b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे 2, तो b की जगह मैं 2 लिख दूं, कोई डाउट है क्या. हां तो भाई ये a स्क्वायर प्लस 2ab भाई एक मिनट दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, इससे x स्क्वायर कोई दिक्कत है इसमें भाई, इसमें तो मुझे 2ab लिखना ही लिखना है, तो जब मैं 2ab लिखूंगा तो 2 तो लिखूंगा लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना. अच्छा x तो एक दी मैंने क्या डाल दिया x,
वापस भी तो करोगे तो प्लस माइनस, ठीक है भाई। अब क्या रह गया, हाँ जी क्या रह गया, कोई बताएगा? ये रह गया बेटा, ये वाला वाई पक्का हाँ पक्का आगे बेटा ये वाला इसको देखो कोई आउट तो नहीं है? नो सर। एच कॉमा के बोले तो एच की वैल्यू बी के की वैल्यू आ गया सेंटर। अच्छा रेडियस क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का एक क्वेश्चन करें? अच्छा समझ के पहले नोट कर लो, पहले तो समझ के ही नोट ये रहा क्वेश्चन, find the center and radius sir minus 3 huh beta minus 2 center is 2, 2, 3 and radius is 5 beta idhar dekho jisko doubt hai beta ji jisko doubt hai dekh le zara maine kuch nahi kiya in dono ka ghatta likh diya maine in dono ka ghatta likh diya theek hai bhai ho gaya sabka answer aa gaya anshu aa gaya अगला क्वेश्चन सेंटर ओके सेंटर है 0.0 एंड रेडियस ठीक है क्या करेंगे भाई ये आर स्क्वायर के बराबर होगा ना आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 है ना ऐसे करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर तो बेसिकली h की वैल्यू कितनी हो गई 0 ठीक है और k की वैल्यू ठीक है मान लो ऐसा लिखा है 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 9 फाइंड सेंटर एंड रेडियस हाँ जी फाइंड सेंटर एंड रेडियस ठीक है x² y
स्क्वायर, चाहे तो आप ऐसे लिख दो। मैंने पहले जानबूझ के दोनों साइड 4 से डिवाइड किया क्योंकि आप ठीक है। रेडियस कितना है? 3 बाई 2। सेंटर कितना है? 0। ठीक है भाई, ओके। बीस का होल स्क्वायर लिखा है और दूसरे बच्चे ने लिख दिया इसके बदले से प्लस टू। रिप्लेस देम एनी टाइम। तीन लिखो, 3/2 लिखो, 1.5 लिखो, 1.5 लिखो, सब इक्वल होता है। इक्वल है तो आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ लिखो नहीं है। हाँ भाई आगे बढ़। अच्छे क्वेश्चन जो है तो कैसे करेंगे सोचना, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, इजी है। सब लोग देखो 10 क्वेश्चन कैसे करना है, नहीं होगा मैं कराऊंगा। हाँ 1-9 घर से 10 तभी करना है और ट्राई करना है, नहीं होगा मैं कराऊंगा, एटलीस्ट ट्राई इट। हाँ मतलब सर्कल इन पॉइंट से पास करता है तो होता क्या, अगर सर्कल इन पॉइंट से पास करता है मतलब वो पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने 10th क्लास में भी किया होगा, लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करता है, इनफैक्ट हमने इसमें भी किया था, स्ट्रेट लाइन में भी किया था, अगर लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो वो पॉइंट उसको उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसमें एक्स वाई की जगह हम डाल सकते हैं वो पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं, ट्राई कर लो बस एक बार ही, मैंने बस सोचने को दिया आपको भाई। ऐसा है देखो मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, मैं बाकी को इनिशिएट तो कर दूं, तू तो अपना कर ना, देख मत। हाँ भाई एक मेरे को एक बच्चे को थोड़ी देखना होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, भाई जो हमें नहीं पता होता हम मान लेते हैं, हमें क्या नहीं पता, इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं पता। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या क्या मानना पड़ता है, क्या क्या चाहिए होता है, सेंटर और ये सर्कल इस पॉइंट से पास करता है, मतलब ये पॉइंट हम इसमें डाल देंगे कहां पे, x और y की जगह, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, सिंस इट पासेस 4 का 1, सो 4 - h का